हेलो बच्चों, देखिए कल हमने आपको बताया था सेंटेंस को हाई स्कूल में निगेटिव कैसे करते हैं। कि जैसे आप हाई स्कूल में हैं और बोर्ड एग्ज़ाम में आपको सेंटेंस को निगेटिव करने के लिए कहा जाता है, तो आप सेंटेंस को निगेटिव कैसे करेंगे ये मैं आज आपको बताऊंगा। कल भी मैंने बताया था, इसके आगे की प्रैक्टिस, आगे का जो टॉपिक है, आगे का जो भी रूल्स है, जो कैसे सॉल्व किए जाएंगे सेंटेंस को, वो मैं आपको करने का तरीका आज बताने वाला हूँ। तो देखिए, आज की अगर बात करें तो मैंने कल सेंटेंस में बताया था कि आपको कहीं पर भी अगर ऑलवेज इवेर अगर कहीं पर सेंटेंस मिल जाता है और सेंटेंस को अगर निगेटिव बनाना है तो आप उसको नेवर में चेंज कर दीजिए और सेंटेंस निगेटिव आसानी से बन जाता है। तो उसी तरफ अगर हम आगे और चलें तो आज हम बात करेंगे पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस में सेंटेंस को निगेटिव कैसे बनाया जाता है, कैसे बनाएंगे, तो इस तरह से देखते हैं। यहाँ चल के हम लोग जैसे कह दिया जाए सी पेंटेड द पिक्चर, सी पेंटेड द पिक्चर। अगर हम इस सेंटेंस को निगेटिव बनाए तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये टेंस कौन सा है। तो अगर टेंस कौन सा है, अगर इसकी अगर बात करें तो आपको पता हो गया होगा पेंटेड, ये जो आप देख रहे हैं पेंट, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और पेंटेड थर्ड फॉर्म हो गई पेंटेड द पिक्चर वर्ब की सेकेंड फॉर्म। वर्ब की सेकेंड फॉर्म किस में होती है, पास्ट इंडेफिनिट। वर्ब की सेकेंड फॉर्म किस टेंस में होती है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और इसको अगर हम निगेटिव बनाएं तो कैसे बनाएंगे, सी पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, नॉट तो यूज ही करेंगे क्योंकि हम निगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, डिड नॉट पेंट, डिड नॉट पेंट द पिक्चर, इस तरह से। और अगर बात करें ही ब्रोक दिस चेयर, ही ब्रोक दिस चेयर, इस सेंटेंस को अगर से निगेटिव बनाना है, ही ब्रोक दिस पिक्चर, इस सेंटेंस को निगेटिव बनाएंगे ही डिड नॉट, क्योंकि बार ये सेकेंड फॉर्म है इसलिए हम इसमें डिड नॉट का यूज़ करेंगे, पेंट दिस, ओ सॉरी ब्रीक है, यहाँ पर ब्रोक है तो ब्रीक आ जाएगी, ब्रीक दिस चेयर फुल स्टॉप। इस तरह से सेंटेंस को आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसके आगे की अगर और बात करें पास्ट कंटिन्यूअस की, तो जैसे कि राहुल वाज प्लेइंग हॉकी, राहुल वाज प्लेइंग हॉकी, इस सेंटेंस को अगर आपको निगेटिव बनाना है तो आप कैसे निगेटिव बनाएंगे, राहुल वाज, नॉट मैंने कल भी बताया था जिस सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हो जाए तो उसके बाद हम नॉट का यूज़ करके सेंटेंस को आप निगेटिव बना सकते हैं, प्लेइंग हॉकी एंड फुल स्टॉप, इस तरह से सेंटेंस को आप निगेटिव बना सकते हैं। और इसी तरह से हम और आगे बढ़ते हैं सेंटेंस को निगेटिव बनाने की ओर, और आगे चलते हैं देखते हैं कैसे क्या दिया जाएगा सेंटेंस को। और घर में प्रैक्टिस ज़रूर करते रहें, प्रैक्टिस नहीं करेंगे इसका कोई भी लाभ आपको मिलने वाला नहीं है। और इसकी अगर बात करें तो जैसे आ जाता है सीमा हैड वॉन द मैच,
सीमा हैड वॉन द मैच, इस सेंटेंस को निगेटिव बनाना है। पहले से आपको हेल्पिंग वर्ब दी गई है तो आपको क्या करना है, सीमा हैड नॉट वॉन द मैच, इस तरह से सेंटेंस को आप निगेटिव बना सकते हैं। इस तरह से सेंटेंस को निगेटिव बनाने का जो तरीका है वो आप आसानी से सीख सकते हैं। और जैसे बहुत सारे तरीके ऐसे होते हैं कि जैसे कहीं कहीं पर आपको जैसे निगेटिव सेंटेंस बनाना है तो नो का भी यूज़ हो जाता है, ठीक है ना। तो वो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट आप उस अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आप उसको यूज़ भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको तरीका बताऊँगा। और जैसे आगे की और बात करें जैसे कि करण विल नॉट विल किल द राइटर, करण विल किल द राइटर, इस सेंटेंस को निगेटिव बनाना है। तो सिंपल सी बात है, हेल्पिंग वर्ब का यूज पहले से दिया गया है तो करण विल नॉट किल द राइटर, इस तरह से सेंटेंस को आप निगेटिव बना सकते हैं। और अगर आगे की बात करें कि जैसे रोहन रोहन विल है सीन द पिक्चर, रोहन विल है सीन द पिक्चर, ठीक है ना। इस सेंटेंस को जैसे निगेटिव बनाना है आप पहले से देख रहे हैं, विल सेल के बाद ही आपको सेंटेंस में नॉट का यूज़ किया जा रहा है, विल सेल के बाद ही सेंटेंस में नॉट का यूज़ किया जा रहा है, तो आप विल सेल के बाद ही नॉट का यूज़ करें। क्या होगा, रोहन विल नॉट हैव सीन द पिक्चर, इस तरह से सेंटेंस को आप निगेटिव बना सकते हैं आसानी से। और इसी तरह से आपको सेंटेंस को बनाना भी है निगेटिव। और आगे की थोड़ा सा अगर बात करें कुछ सेंटेंस की तो इस तरह से बना सकते हैं, आई कैन सॉल्व इट, आई कैन सॉल्व इट, तो क्या करेंगे, आई पहले से हेल्पिंग वर्ब है तो कैन नॉट सॉल्व इट, आई कैन नॉट सॉल्व इट, नॉट के बाद आप कैन के बाद आप नॉट का यूज़ करके सेंटेंस को आप निगेटिव आसानी से बना सकते हैं। ये तरीका है हम सेंटेंस कैसे, अगर हाई स्कूल पढ़ रहे हैं स्टडी कर रहे हैं क्लास हाई स्कूल में तो किस तरह से सेंटेंस को निगेटिव बनाएंगे, किस तरह से हम घर में प्रैक्टिस करेंगे, आप इस वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। जो भी समस्या हो प्रॉब्लम्स हो तो आप उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है ना, या कॉन्टैक्ट के स्कूल कॉन्टैक्ट के माध्यम से आप अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं जो भी डाउट्स हैं आप उनको आसानी से क्लियर कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है वो आपको हम कल नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं।